नमस्कार मुझे आपण स्वागत करुच्ची मो चेल गुट इट ओडिया आज मुझे सुजीर इडली तैयारी कर देखेबी। ये इडली टी खाइबा को बहुत ही टेस्टी आ बनवा को बहुत कम समय लगे। ये इडली बनईकी आप स्कूल पिला टीफिन बक्स रेपारे कड़े जाऊ बाटे खावाई पैक करके नहीं पारे। ता छड़ा संडे मॉर्निंग रे इडली बनईकी घर समस्त को खुआ समस्ते बहुत पसंद करेंगे। जदि मो रेसीपी आपको भल लगे तो प्लीज मो रेसीपी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबे नी। सुजी इडली बनवाई मुझे सुजी दुई कप दही गोटे कप लुण स्वाद अनुसार सोरिष हाफ टेबल स्पून भृसंग पत्र आठ दसटा ग्रेट होता गाजर थ्री टेबल स्पून कटा होता धनिया पत्र टू टेबल स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट थ्री टी स्पून रिफाइन तेल टू टेबल स्पून। सुजीर इडली तैयारी करने मुझे गोटे बड़ बाउल दुई कप सुजी नौ दुई कप सुजी सांगे मुझे गोटे कप दही मिसाऊँ दही और सुजी को भल भाव मिसेबा एमें टिके टिके करी पानी पकेबा आ गोटे मोटा बहलिया बैटर प्रस्तुत करवा जेंती हमें ऑथेंटिक इडली पाई बिरी चावल रे बैटर प्रस्तुत करू से बहलिया गोटे बैटर प्रस्तुत करवा। एथर आम बैटर भल भाव फेंटी गला एमें किसी लुण पकईद भल भाव गोल बैटर को बेसी पानिया करें बैटर एतिक बहलिया हवा दरकार। एथर ये बैटर को फुलवापाई 20-30 मिनिट पर्यंत ढांकी सैड रखिद जिते पर्यंत बैटर आमर फुलुची सैड्रे मुझे गोटे इडली छाचे पा गरम कर ये इडली छाचटी आम ओडिया घर मानक प्राय समस्त घरे मिल जाथर आम इडली स्टैंड रे तेल लगेद तारी इडली बनी सारापर आराम रे छाचर बाहरी आस बिलकुल भी लगभग एटा हो गला। साइड्रे आम इडली पकेबापी गोटे छुंक प्रस्तुत करवा से गोटे तड़का पैन रे टू टेबल स्पून रिफाइन तेल गरम कर तेल भल भाव गरम होमें 1 टेबल स्पून सोरिष पकेबा सोरिष भल भाव फुटी आसिले एमें भृसंग पत्र पकेबा एथर गैस फ्लेम ऑफ कर दबा आउ ए छुंक को सीधा नहीं कि इडली बैटर में मिसेद भल भाव गोलईद जमीक सोरिष आउ भृसंग पत्र बास्नाटा इडली बैटर में मिसीज भल भाव। ता छड़ा कंचा लंका को छोट छोट कर पकई पारे कि छोट पिला कर लंका पकेबेन ये इडली को टी बेसी हेल्दी करने मुझे गाजर ग्रेट करके रखी और 3 टेबल स्पून ग्रेटेड गाजर मुझे मिसाऊँ सांगे 2 टेबल स्पून धनिया पत्र काटिकी रखी से भी मिसाऊँ किंतु जदि आप प्रथम थर ये इडली रेसीपी ट्राए करने चाहते तेल मुझे सजेस्ट करी आपल सोरिष और भृसंग पत्र छुंक मिसेक इडली बैटर रे इडली प्रस्तुत करूँ भल भाव गोल सारे मुझे एथर आम ये बैटर रे 3 टी स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट मिसेबा आउ इनो फ्रूट सॉल्ट आपको कौन सी ग्रोसरी शॉप रे आराम रे मिल जाव इनो पकेला बैटर को फटाफट जल्दी जल्दी मिसेबा आउ आम इडली स्टैंड रे ढालिबा स्टार्ट करिबा। इनो पके सल्ला परे बैटर को सेमती छाड़े नी ना इडली टा फुलिबनि भल कि एथर आम स्टीमर बिल्कुल गरम हो गला एम स्टैंड दीटा को रखिद स्टीमर को बंद करके मीडियम हाई फ्लेम रे 10-12 मिनिट पर्यंत कुक होवा को छाड़ दबा। 10 मिनिट हो गला चलतु खोलिकी चेक करवा ये देखता इडली के बढ़िया फुलिकी रेडी गला यहाँ स्टीमर रु बाहर करनवा स्टीमर बहुत गरम अच्छे तेणु जिते इडली स्टैंड आप काढ़े पूरा सावधानी सहित काढ़े एवं इडली को 2 मिनिट पर्यंत टिके थंडापी छाड़ा और तापर आम गोटे चामच रे एमती काढ़ प्लेट रे बाहर करवा जेहेतु आम टे तेल लगे तले तेणु इडली गुड़ाक आराम रे बाहरी जाऊँगी बिल्कुल असुविधा होनी एबे ये इडली को आप गरम गरम कौनसी फेवरेट चटनी आउ तरकारी सांगे सर्व करें
जदि आपण मो रेसीपी भल लगे तेल प्लीज मो रेसीपी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें।